अकबर उत्तर प्रदेश कानपुर से भारतीय सेना की 137वीं CETF बटालियन 39 गोरखा राइफल ने आज कानपुर गंगा स्थित किशनपुर ग्राम में गंगा स्वच्छता के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर गंगा विचार मंच प्रदेश सह संयोजक श्रीमती किरण निषाद, मुख्य अतिथि पार्षद अभय यादव उपस्थित थे। मौके पर गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार हीरोगुंडे VR और अन्य जवान मौजूद रहे। गंगा टास्क फोर्स के कमान अधिकारी कर्नल वेदवत वेद की दिशा निर्देशन पर गंगा की सफाई, जागरूक अभियान, पौधारोपण, घास स्वच्छता अभियान गत 4 सालों से चलाया जा रहा है। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय किशनपुर से समस्त ग्रामवासियों को एकत्रित करके गंगा को साफ रखने के लिए प्रेरित किया और गंगा संकल्प दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती किरण निषाद ने गांव वालों को गंगा स्वच्छ रखने की हिदायत दी गई तथा साथ में गंगा टास्क फोर्स काम की प्रशंसा की गई। इस कार्यक्रम में किशनपुर के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जानते होंगे और पता भी होगा, इस गंगा जी के अंदर 111 से ज़्यादा प्रकार के मछलियाँ हैं। इस किस्म की इतने किस्म की मछलियाँ हैं और 375 से ज़्यादा जीव जंतु जलीय जीव इसके अंदर है। अगर हम लोग गंगा का पानी जो है अमृत के समान है, हर धार्मिक कार्य में गंगा जी का पानी का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र के 95% लोगों ने गंगा जी का कभी दर्शन नहीं किया होगा, 5% लोगों ने किया होगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो गंगा जल पक्का उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग खूब भाग्यशाली हो जो कि आप बिल्कुल गंगा जी के साथ में हो, आप गंगा जी को रोज दर्शन कर रहे हो, तो बहुत भाग्यशाली हो। गंगा जी से आपके लिए आर्थिक और धार्मिक दोनों तौर से फायदे हैं। गंगा जी के स्नान करने से हमारे पापों की मुक्ति मिल जाती है। आप गंगा जी के लिए आपने भी कुछ अपने तरफ से सफाई अभियान के लिए हमारा सहयोग करते रहना है। हम लोग मात्र जितने इस संस्था से या गंगा ट्रस्ट गंगा के सफाई के लिए जितने कर्मचारी लोग हैं उतने से गंगा की सफाई नहीं हो पाएगी, तो आप लोगों ने भी कुछ अपनी नैतिक जिम्मेवारी को निभाना है ताकि गंगा अविरत बहती रहे, साफ सुथरी रहे और आने वाले जो हमारे भविष्य है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए भी जिस प्रकार से आज है वैसे कल मिले। अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये एक दिन ना के बराबर हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने दिल्ली साइड में कोई गया होगा तो देखा होगा जो यमुना बह रही है, यमुना जी बहुत पवित्र नदी है, लेकिन वहाँ पर पानी जो यमुना जी का देखोगे तो एक गटर के पानी के मुताबिक हो गया है, क्योंकि बढ़ती आबादी, पोल्यूशन, लोग कचरा, पोलिथीन, प्लास्टिक, जो केमिकल का पानी है वो गंगा में जी वहाँ यमुना जी में मिला रहे हैं तो पानी वो खराब हो गया। तो ये स्थिति यहाँ ना आने देने के लिए आप लोगों का सभी का सहयोग होना जरूरी है। तो आप लोगों ने करना क्या है, क्या नहीं करना है, मैं आपको मोटा मोटी बताऊंगा। जैसे कि अभी हमने एक बोर्ड लगाए हैं, यहाँ पर बोर्ड है, हर इंसान ने पौधे लगाने हैं, प्लांटेशन करना है, ठीक है। अपने क्षेत्र में गंगा तट को साफ सुथरा रखना है, बाकी लोगों के लिए भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।